बिना चालू ई बिहार ना होई, हे भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई, हे भाई लालू बिना चालू ई बिहार ना होई। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवा होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। कई महीनों की तैयारी के बाद भी जब वर्ष 2019 में अली अशरफ फातमी लोकसभा चुनाव के दंगल में नहीं उतर सके थे, तब उन्होंने ये शेर कहा था, अब वर्ष 2024 है, फिर वक्त लोकसभा चुनाव का है। और आज यानी शनिवार को पूरे लाभ लश्कर के साथ अली अशरफ फातमी मधुबनी से महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में अपना टिकट लेकर पहुंचे। वो न सिर्फ टिकट लेकर पहुंचे थे, बल्कि इस बात का सबूत लेकर पहुंचे थे कि फातमी का सियासी कद आज भी बरकरार है। और इस बात पर मुहर उनके स्वागत में उमरे जन सैलाब ने भी लगा दिया। बिठौली चौक पर सैकड़ों की संख्या में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत कर उन्हें खुली जीप में बैठाया और फिर जाले देवरा बंदौली तक रोड शो के लिए निकल पड़े। भीड़ इतनी अधिक थी कि पूरा सड़क घंटों अस्त व्यस्त रहा। रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान एक नारा जो सबके जुबान पर था वो ये कि मधुबनी का सांसद कैसा हो, अली अशरफ फातमी जैसा हो। जरूर, और हम नहीं जला रहे, यहाँ की जनता जला रही है लालटेन। और ये पहला मौका होगा जो यहाँ राजद के वर्कर है उनके लिए भी और इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए भी कि लालटेन को पहली मरतबा यहाँ जलाए। और वो मौका दे रहा है यहाँ का जो प्रेजेंट एमपी है, वो और उसके पिताजी ने मिलके लगातार 3 मर्तबा लोकसभा यहाँ से चुने गए हैं वो, लेकिन यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। जनता ने उनको देखा नहीं जीतने के बाद, तो लापता एमपी में है ये लोग। और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं यहाँ, निश्चित रूप से मधुबनी में परिवर्तन होगा। और ये आप यकीन मानो या नहीं मानो, आज अगर रहते जुलूस में आप या रहे हो तो देखा होगा, नौजवानों में जो जुनून है वो सिर्फ बदलने वाला जुनून है, क्योंकि वो चाहते हैं कि तेजस्वी बिहार के अंदर उसकी शक्ति बढ़े, उसकी ताकत बढ़े। जिस तरह से उसने नौजवानों को रोजगार और नौकरी दिया है, बिहार के नौजवान उत्साहित है और उसी में मधुबनी के नौजवान भी उत्साहित है। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ प्रति साल हम नौकरी देंगे, वो अब तक तो 5 साल में 10 लाख भी नौकरी नहीं दिया, लेकिन हमारे तेजस्वी जी ने वादा किया था कि अगर हम जीत गए और चीफ मिनिस्टर बने तो हम 10 लाख लोगों की नौकरी पक्की करेंगे। लेकिन 17 ही महीने का एज ए डिप्टी सीएम उनको मौका मिला, उसमें उन्होंने 5 लाख से ऊपर नौजवानों को नौकरी दी और रोजगार तो अलग से है। तो इसलिए एक परिवर्तन चाहता है अभी दिल्ली के अंदर और 2025 में बिहार के अंदर। टिकट लेने के बाद 2024 जो आप पहली बार मधुबनी लोकसभा में प्रवेश किए हैं, कितना लोगों का समर्थन मिला है? बहुत ज्यादा, बहुत प्यार मिला है चारों तरफ। आपके सामने भाजपा से अशोक यादव मधुबनी में मैदान में है, ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप उसको? मुझे तो कोई चुनौती नजर नहीं आ रही। चुनौती क्या होती है, उनके पिताजी भी हमारे खिलाफ खड़े हुए थे 91 में, जमानत जब्त हुआ था दरभंगा के अंदर। और ये मेरा उनसे पहला इलेक्शन होगा, निश्चित रूप से उनकी हार होगी। बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीते हुए सांसद हैं अभी, कितना चैलेंजिंग समझते हैं अपने आप को मधुबनी से? देखिए, ऐसा है कि उस वक्त का चुनाव को चुनाव ही नहीं माना। महागठबंधन के 2 उम्मीदवार थे और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें तो मौका मिल गया उसको। बहुत सारे तो महागठबंधन के जो वोटर थे उन्होंने उसको वोट दे दिया लड़ाई की वजह से।
अब की कोई लड़ाई नहीं, आप चारों तरफ घूम लो, मधुबनी चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लेफ्ट के लोग हो, जितने भी हमारे एलाई है और जितना भी राजद के वर्कर है, सब यूनाइटेड है और एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मधुबनी लोकसभा की जनता अगर आपको समर्थन देती है और जीत का माला पहना के वापस भेजती है, तो मधुबनी लोकसभा में आपकी पहली कदम में क्या काम होगा? बहुत सारे काम करूंगा। मैं पहले भी मधुबनी में काम कर चुका हूं। जब मैं मंत्री था तो यहाँ मधुबनी में जितने भी प्रखंड हैं, सब में एक एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मैं बना चुका हूँ। आपको जान करके खुशी होगी कि जो केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग बनी है, वो भी मेरा अपनी जानकारी है कि वो भी मधुबनी क्षेत्री में उसकी बिल्डिंग हमने बनवाई है, और एक एडिशनल केंद्रीय विद्यालय भी वही चल रहा है। नवोदय विद्यालय में करोड़ों रुपया दिया हमने, और मधुबनी का नवोदय विद्यालय का हमने शिलान्यास भी किया, उस काम को पूरा भी करवाया, हमारे मंत्रालय के वक्त में हुआ। आज जो रेल चारों तरफ रेल की पटरी बिछी हुई है, वो पहले समस्तीपुर से दरभंगा आया, और हमें और आप सबको याद होगा कि लालू जी ने मधुबनी को कनेक्ट किया बड़ी रेल लाइन से, फिर सीतामढ़ी और गोरखपुर तक नई रेल लाइन उसके बाद आई। और इनसे पूछिए, इन दोनों ने मिल करके क्या एक ट्रेन भी दिला सके मधुबनी को या इस इलाके को, मिथिलांचल को? बल्कि जो ट्रेन लालू जी ने चलाई थी वो बंद हो गई। बहुत सारे रेलवे के प्रोजेक्ट जो दरभंगा से रिलेटेड है, मधुबनी से रिलेटेड है, बंद पड़े हैं। और मैं तो दावे से कहता हूं कि भारत सरकार से लाई हुई एक स्कीम पिछले 15 साल में बता देंगे दोनों बाप बेटा, एक स्कीम नहीं मिलेगा। तो लोग ऐसे लोगों को वोट क्यों दिया अब तक, मेरी यही सोच से बाहर। लेकिन भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि वो 40 सीट जीते थे, इस बार 40 की 40 सीट जीत लेंगे। हाँ, तो फिर प्रधानमंत्री का ओथ भी साथ साथ करवा दे, इसमें क्या है सर? जब ऐसे ही जीतना है, जब मुंह जबानी तो जीत जाए, आपकी वो सब कुछ नहीं होने वाला। आपकी लड़ाई बहुत मजबूत होगी इधर से। आपने टिकट का बंटवारा देखा, सारी जाति समीकरण का ध्यान रख करके, कहां से कौन लड़ेगा जीतेगा इसका ध्यान रख करके टिकट का बंटवारा हो रहा। समाज का कोई हिस्सा टिकट के बंटवारे में नहीं छोड़ा गया। इनसे पूछो कि भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है, वो जिस बिरादरी से आते हैं, कितना टिकट दिलवाया उन्होंने अपने पार्टी से? यहीं पे बनिया का 2 टिकट था, काट दिया गया। पूछो क्यों कटा? एक भी टिकट नहीं मिला। ये सीतामढ़ी का टिकट कटा, शिवर का टिकट कटा, और हम लोग हर बिरादरी हर जात को लेके चल रहे हैं, उसमें हर तबके के लोगों को जगह दे रहे हैं। मिथिलांचल के जो आपके वोटर हैं और हमारे दर्शक, उनसे क्या निवेदन होगा आपका? मैं एक ही निवेदन करूंगा कि मधुबनी के अंदर परिवर्तन चाहिए, दरभंगा के अंदर परिवर्तन चाहिए, मिथिलांचल के अंदर परिवर्तन चाहिए। इन सबको बदलिए, इस इलाके का डेवलपमेंट कराइए। जिंदाबाद।